एक और दलितों को लेकर के बीजेपी अपने घर में घिरी हुई है, तो वहीं विपक्ष पर दलितों के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहा है। कर्नाटक दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि दलितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद ही डरावना और घिनौना है। राहुल ने पूछा है कि आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा है कि आखिर इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री अभी तक चुप क्यों है, उनकी तरफ से कोई वक्तव्य सामने क्यों नहीं आया है। ये पूरी बातें राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे पर कही है। दलितों के साथ जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो बेहद ही डरावना है और साथ ही घिनौना है, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। What is happening to Dalits across the country is disgusting. It's horrible. And our Prime Minister has nothing to say. He's under the impression that respecting Dalits is about going doing namaskar in front of Ambedkar ji statue. You destroy everything Mr. Ambedkar stood for. You destroy Dalits. You allow them to be killed, murdered. And then you say, I'm doing namaste in front of Ambedkar ji's statue. It shows the mindset.